हरे कृष्णा। बात्सल्यमृत नोएडा में आप सभी का स्वागत है। शक्तिला एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं भूमिका, आज मैं आपको माघ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली शक्तिला एकादशी के बारे में बताऊंगी। इस एकादशी की कथा मुनि श्रेष्ठ पुलत्स्य जी ने दालव्य ऋषि को कही थी। दालव्य ने पूछा, ब्राह्मण, मृत्युलोक में आए हुए प्राणी प्राय पाप कर्म करते रहते हैं, उन्हें नरक ना जाना पड़े, इसके लिए कौन सा उपाय है, बताने की कृपा करें। पुलस्त्य जी बोले, महाभाग, माघ मास आने पर मनुष्य को चाहिए कि वह भली भांति स्नान करके पवित्र हो, शुद्ध होकर देवाधिदेव श्री विष्णु जी की पूजा करे, कोई भूल हो जाने पर श्री कृष्ण का नाम उच्चारण करे, रात को जागरण और होम करे, तत्पश्चात चंदन, अग्रजा, कपूर, नैवेद्य आदि सामग्री से शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले देव देवेश्वर श्री हरि की पूजा करें। तत्पश्चात भगवान का स्मरण करके बारंबार श्री कृष्ण का नाम उच्चारण करें। एक समय नारद जी ने भगवान श्री कृष्ण से यही प्रश्न किया था। तब भगवान ने नारद जी से कहा कि हे नारद, मैं तुम्हें सत्य घटना कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह एक मास तक व्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। यद्यपि वह अत्यंत बुद्धिमान थी, तथापि उसने कभी देवताओं या ब्राह्मणों के निमित्त अन्न या धन का दान नहीं किया था। इसलिए मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर तो शुद्ध कर ही लिया है, परंतु इसने कभी अन्न का दान नहीं किया, इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। भगवान ने आगे कहा, ऐसा सोचकर मैं ब्राह्मण के वेश में मैं मृत्युलोक में उस ब्राह्मणी के पास गया, उससे भिक्षा मांगी। मैं ब्राह्मणी बोली, सत्य कहें, आप कहाँ से आए हैं? मैंने सुनकर भी अनजान बनते हुए उसे कोई उत्तर नहीं दिया। इस पर क्रोध में उसने मेरी भिक्षा पात्र में मिट्टी डाली। इसके बाद मैं अपने धाम वापस लौट आया। कुछ समय बाद मैं ब्राह्मणी भी अपनी तपस्या के पुण्य के कारण मेरे धाम में आई। उसकी तपस्या के परिणाम स्वरूप उसे एक सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने घर को अन्न आदि सब सामग्रियों से शून्य पाया। तब वह घबरा कर मेरे पास आई और कहने लगी कि हे भगवान, मैंने अनेक व्रत आदि से आपकी पूजा की, परंतु फिर भी मेरा घर अन्न आदि सभी वस्तुओं से शून्य है, इसका क्या कारण है? इस पर मैंने कहा, पहले तुम अपने घर जाओ, देव स्त्रियां आएंगी तुमसे मिलने के लिए, परंतु पहले तुम उनसे शक्तिला एकादशी का पुण्य और विधि सुनना, तभी द्वार खोलना। मेरे ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर वापस चली गई। जब देव स्त्रियां आईं और द्वार खोलने को कहा, तो ब्राह्मणी बोली कि आप मुझसे मिलने आई हैं, तो शक्तिला एकादशी का महत्व मुझसे कहें। उनमें से एक देव स्त्री कहने लगी कि ठीक है, मैं आपसे कथा कहती हूँ। जब ब्राह्मणी ने शक्तिला एकादशी का महत्व सुना, तब द्वार खोल दिया। देवांगनाओं ने उसको देखा और सोचा कि ना तो वह गंधर्वी है, ना ही आसुरी, परंतु यह तो एक मानुषी है। उस ब्राह्मणी ने उनके कथन अनुसार शक्तिला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से वह सुंदर और रूपवती हो गई तथा उसका घर अन्न तथा समग्र सामग्रियों से युक्त हो गया। यह था शक्तिला एकादशी का महत्व जो भगवान श्री कृष्ण ने नारद मुनि को बताया और फिर पुलत्स्य ऋषि ने दालव्य ऋषि को बताया। तो हम सब मनुष्यों को भी शक्तिला एकादशी का व्रत करना चाहिए। इससे दुर्भाग्य, दरिद्रता तथा अनेक प्रकार के कष्ट दूर होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। वास्तव में हर एकादशी का पुण्य अपार है। एकादशी का व्रत करने से लोग पापों से मुक्त होकर भव सागर से तर जाते हैं। पुराणों में एकादशी के व्रत के बारे में कहा गया है कि व्यक्ति को
दशमी के दिन शाम में सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। रात में भगवान का ध्यान करते हुए सोना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः उठकर स्नान करके भगवान श्री विष्णु की पूजा करनी चाहिए। व्रत रखने वाले को भगवान के नाम, धाम तथा उनकी लीला का स्मरण व कीर्तन करना चाहिए। कलयुग के लिए श्रेष्ठ हरे कृष्ण महामंत्र का अधिक से अधिक जप करना चाहिए, ताकि इन सभी साधनों को यत्न पूर्वक निभाने से हमारे हृदय व चेतना शुद्ध होकर भगवान श्री कृष्ण की प्रेममयी भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ सके। धन्यवाद। हरे कृष्णा।